हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर्स ऑफ डायरेक्टर के बारे में यह आता है आपका कंपनी लॉ के यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर यहाँ पे हमें कुछ पावर्स है जो डायरेक्टर्स की होती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले आता है आपका सेक्शन नंबर वन पावर ऑफ़ बोर्ड पावर ऑफ़ बोर्ड के अंदर आता है आपका पावर टू मेक कॉल ऑन शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर तो यहाँ पे क्या पावर अवेलेबल होती है कि अगर उसने वहाँ पे मनी पे नहीं करी Uh, किसी शेयर की तो वहाँ पे उसको मेक कॉल टू द शेयर होल्डर्स कर सकता है दूसरा आता है आपका पावर टू ऑथराइज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ बायबैक कर सकता है उसके पास में इतनी पावर है थर्ड आता है आपका पावर टू इशू सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिबेंचर इन और आउटसाइड इंडिया पावर टू बोरो मनी बोरो कर सकता है मनी इसके बाद में आता है पावर टू इन्वेस्ट द फंड ऑफ़ द कंपनी उसके पास में ये पावर अवेलेबल है कि जो आपकी कंपनी का फंड है उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है पावर टू ग्रांट लोन और गिफ्ट सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन तो लोन के रिस्पेक्ट में वहाँ पे कुछ लोन के रिस्पेक्ट में वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो दे सकता है पावर टू अप्रूव कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द बोर्ड रिपोर्ट पावर टू डाइवर्सीफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी और टेक ओवर अ कंपनी तो ये सब पावर आती है आपकी बोर्ड के अंदर तो इसका सेक्शन आ जाता है आपका वन सेवनटी नाइन इसके बाद में आता है आपका सेक्शन वन एटी जिसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर ऑफ बोर्ड अभी हमने देखा था पावर ऑफ बोर्ड इसके बारे में आता है इसके बाद में आएगा आपका रिस्ट्रिक्शंस अब क्या रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई जाती है सेल और लीज़ ऑफ द सब्सटेंशियल अंडरटेकिंग सेल और लीज के ऊपर वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम अमेल कमीशन अगर कोई इसको इन्वेस्टमेंट वहाँ पे रिसीव हुई है अगर उसने कंपनी ने इनमेलगमेशन है तो उसके अंदर कोई वहाँ पर आता है तो उसके ऊपर क्या लगाई गई है रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है थर्ड पॉइंट आता है आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग पावर ऑफ डायरेक्टर कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है पावर ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर रिस्ट्रिक्शंस आती है रिमिशन ऑफ लोन गिवन टू डायरेक्टर इसके अंदर क्या होगा उनसे वापस वहाँ पर मांग लिया जाएगा फिर आता है आपका सेक्शन वन वन जिसके अंदर आता है कंपनी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू अ बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड इसके अंदर बात की जाती है चैरिटेबल फंड की कंपनी जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट टू बोनाफाइड चैरिटेबल एंड अदर फंड प्रायर परमिशन ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग शैल बी रिक्वयर फॉर सच कंट्रीब्यूशन इन केस अमाउंट द एग्रीगेट विच इन एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सीड फाइव परसेंट ऑफ़ द एवरेज नेट प्रोफिट ऑफर एंड द इमीडिएटली थ्री प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ पर आता है आपका पाँच परसेंट देखने को मिलता है एवरेज प्रॉफिट का एवरेज नेट प्रॉफिट का और वो भी आपके लास्ट वाले तीन फाइनेंशियल ईयर का। इसके बाद में आता है आपका सेक्शन 182 जिसके अंदर आता है प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड तो इसके अंदर कौन सी रिस्ट्रिक्शंस आती है हु कैन नॉट कंट्रीब्यूट इसके अंदर कौन कौन कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता गवर्नमेंट कंपनी और अ कंपनी विच हैज़ बीन एग्जिस्टेंस ऑफ लेस देन थ्री फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती साथ में वो कंपनीज़ नहीं कर सकती मतलब जिन्होंने लास्ट तीन फाइनेंशियल ईयर्स में मतलब ज़्यादा कुछ काम वहाँ पर किया नहीं है बी आर इन बी एम तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो बोर्ड रेजोल्यूशन है वो पास करना पड़ेगा आपका बोर्ड मीटिंग के अंदर डिस्क्लोजर इन पा पी एन एल अकाउंट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा उसका पी एन एल अकाउंट के अंदर इसके बाद में आता है आपका सेक्शन 183 जिसके अंदर आता है आपका पावर ऑफ बोर्ड एंड अदर पर्सन टू मेक कंट्रीब्यूशन मतलब अब कौन कंट्रीब्यूशन कर सकता है तो इसके अंदर आता है आपका बी आर इन बी बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग नो मैक्सिमम लिमिट इसके अंदर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई गई है और जिसने भी वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो वो सब आपको वहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर तो ये सब आता है आपका पावर्स पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आता है आपका अब इसके अंदर आपका ये जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग